नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका है, क्वेश्चन लिखेंगे साथ साथ, अ वेक्टर एक्स, ए वेक्टर एक्स व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट, व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट, टू द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर वेक्टर ए, उसकी वैल्यू क्या दे रखी है, थोड़ा मैं यहां लिख देता हूं, वेक्टर ए दैट इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 5j कैप प्लस 7k कैप एंड वेक्टर बी, और वेक्टर बी की वैल्यू क्या दे रखी है, देखिए वो दे रखी है 2i कैप प्लस 4j कैप एंड -3k कैप गिव्स अ यूनिट वेक्टर, गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग अलोंग वाई एक्सिस फाइंड द वेक्टर एक्स, फाइंड द वेक्टर एक्स। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको मैं आपको समझा रहा हूं कैसे करना है। बोल रहा है अ वेक्टर एक्स व्हेन एडेड टू द रिजल्टेंट, बोल रहा है कि कोई वेक्टर एक्स है उसको रिजल्टेंट में ऐड किया गया है, यहाँ पे वो मेंशन किया रखा है कि ऐड किया गया है रिजल्टेंट में। ठीक है, तो बोल रहा है ऑफ अ वेक्टर ए, रिजल्टेंट बोल रहा है ना, वेक्टर एक्स व्हेन एडेड टू रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर ए, तो आप उसको ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा, सॉरी वेक्टर ए दिस एंड बी दिस गिव अ यूनिट वेक्टर, तो क्या देता है आपको, यूनिट वेक्टर देता है अलोंग वाई एक्सिस, बोल रहा है उस वेक्टर को निकालिए। तो सबसे पहले आप देखिए जो वेक्टर एक्स है इसमें बोल रहा है रिजल्टेंट वेक्टर आप ऐड कर रहे हैं, ये बोल रहा है ना वेक्टर एक्स व्हेन एडेड टू अ रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर ए और बी के इसको जो जोड़ेंगे तो जो भी वेक्टर आएगा उसको बोल रहा है रिजल्टेंट। तो अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो बोलता है वो क्या देता है, इट गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो आप एक बात देखिए, मैंने आपको समझाया था कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, तो वाई एक्सिस के अलोंग मेरा यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो वो होगा जे कैप। ठीक है, तो अगर मैं एक्स वेक्टर प्लस आर वेक्टर करूं तो मुझे क्या देता है, वो वाई वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर देता है, जैसे मतलब वो क्या दे रहा है, जे कैप की वैल्यू दे रहा है। ये स्टेटमेंट जो है वो गिवन है, इसको मैंने कन्वर्ट किया है आपको समझाने के लिए कि जो ये चीज बोल रहा है उसका मतलब क्या हुआ। अच्छा, अब वेक्टर एक्स आपको निकालना है, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, जे कैप माइनस ऑफ आर वेक्टर, क्योंकि आप इसको यहाँ ट्रांसफर, ये वैल्यू आपको निकालने के लिए बोल रहा है, जे कैप तो आप ऐसे रहने दीजिए, माइनस आर वेक्टर क्या है, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों को अगर आप ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आर वेक्टर मिल जाएगा। तो चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो हम मैं डायरेक्ट ऐड करने की कोशिश कर रहा हूं, तो यहीं पे मैं डायरेक्ट ऐड करता हूं। चलिए तो देखिए 2 और 3 मिलके हो जाएगा 5i कैप, इन दोनों में इसका साइन ज्यादा है तो जाएगा माइनस जे कैप, इसमें माइनस जे कैप तो प्लस 4k कैप। तो यहां पे मैं लिख प्लस सकता हूं फोर क्या, के यहां लिख देता हूं 5i कैप माइनस ऑफ जे कैप प्लस 4k कैप। अभी ध्यान देना, अभी ये माइनस साइन है और यहाँ जे है, तो ये माइनस यहाँ जाकर के बेटा इसको प्लस कर देगा। ठीक है, इसको प्लस कर देगा तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आपकी आएगी माइनस आई आई कैप प्लस कैप 2j कैप माइनस 4k कैप, और यही तुम्हारा कौन सा वेक्टर है, एक्स वेक्टर है, और यही आपको एक्स निकालने के लिए उसने बोला था कि आपको क्या बोल रहा है। आप पढ़िए, अ वेक्टर एक्स वन एडेड टू आर, एडेड टू द रिजल्टेंट ऑफ अ वेक्टर, रिजल्टेंट किसका है, ऑफ दिस वेक्टर गिव्स अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। तो इफ वेक्टर एक्स एडेड टू रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ दिस गिव्स यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, बात समझ रहे हो, ये स्टेटमेंट दे रखा था, इसको सॉल्व कर दिया मैंने, क्लियर है आप लोगों को। यस सर। ठीक है लिख लीजिए इसे। गया, हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं जरा, देखिए क्वेश्चन क्या है, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आर इज 40 किलोमीटर पर आर, 40 किलोमीटर पर आर, फाइंड द अदर कंपोनेंट, फाइंड द अदर कंपोनेंट, अदर कंपोनेंट कंपोनेंट। अब आप समझिए,
ये क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, बोल रहा है एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का, वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ किसी कोई वेलोसिटी दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर, उसका एक कंपोनेंट क्या है 40 किलोमीटर पर आवर। वन कंपोनेंट ये वेलोसिटी आपको गिवन है, उसका एक कंपोनेंट क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, तो बोल रहा है दूसरा कंपोनेंट फाइंड आउट करिए। देखिए हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे में क्या ये पढ़ा है, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बारे ऐसा में हुआ है ही कि बिल्कुल रुक गया था। भैया, क्या बोलो, ये ऐसा ही तो है, इसमें जो रिजल्टेंट की वैल्यू दे रखी है और एक एक और इसमें एक वेक्टर की वैल्यू दे रखी है। हाँ, ये है वैसा ही, लेकिन इसको एक बार समझ तो, हाँ वैसे दे रखा है, मतलब एक इसके दो कंपोनेंट होते हैं ना, अगर आपको याद होगा तो, जैसे मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा तो ये वेक्टर ए हाँ था, हाँ समझ गया। यहाँ पे वेक्टर ए एक्स था, यहाँ पे वेक्टर ए वाई था। अब कंपोनेंट बोल रहा है, यानी ए कॉस थीटा ए साइन थीटा, ए कॉस थीटा और ये क्या है ए साइन थीटा, कंपोनेंट रेक्टेंगुलर अच्छा कंपोनेंट की बात कर रहा है। तो आपको याद है इन दो इक्वेशन को मैंने क्या किया था, स्क्वायर करके ऐड किया था, तो अच्छा समझ आपको ए गया, स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला था, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। बात समझ रहे हैं कि नहीं, ये मिला था ना आपको, याद है आपको ए की वैल्यू क्या मिली थी, यहाँ पे फिर ए एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ दिस एंड दिस। अब आप समझो ये इस वेक्टर का दो कंपोनेंट है, ए एक्स और ए वाई। अब ये क्वेश्चन में क्या दे रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये जो है वो 80 किलोमीटर पर आ रहा है, बोल रहा है 80 किलोमीटर पर आ रहा है, मतलब ए की वैल्यू दे रखा है वेक्टर ए की, है ना, बोल रहा है इसका एक कंपोनेंट तो दे रखा है 40 किलोमीटर पर आर, तो बोल रहा है इसका दूसरा कंपोनेंट ये निकाल लो। तो देखिए इसका स्क्वायर यानी 80 का स्क्वायर अगर मैं निकालूं, दैट इज इक्वल टू क्या होगा, इस इक्वेशन से देखो, इस इक्वेशन से दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 40 का स्क्वायर प्लस इस, ये मुझे पता अच्छा नहीं, इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स का स्क्वायर। अगर इन दोनों को मैं, इन दोनों को अगर यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, ये तो खैर स्क्वायर नहीं होगा, रूट नहीं होगा, ये रूट नहीं होना चाहिए ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए, हाँ तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई, 80 का स्क्वायर माइनस ऑफ 40 का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ, आप इसको निकाल लीजिए 80 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। आप चाहे तो इसको ए प्लस बी ए माइनस बी से भी खोल सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी, जैसा भी तुम्हारा मन करे वैसे सॉल्व करो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट दे दे रहा हूँ क्योंकि टाइम अभी ठीक थोड़ा कम है, आप इसको निकाल लीजिएगा, 69.28 आएगा किलोमीटर पर आर, इसको इसके ये आंसर है, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा पहले तो। लेकिन ये लॉजिक समझो कि लॉजिक तुम्हें समझ में आया, ये कह क्या रहा था कि रेक्टेंगल, अब देखो वन ऑफ द रेक्टेंगल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर इज 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द अदर कंपोनेंट। तो अब तुम्हें न्यूमेरिकल समझ में आया क्या पूछ रहा था ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एन एंगल ऑफ, एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, टू द हॉरिजॉन्टल, टू द हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इफ द कॉम्पोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी, इफ द कॉम्पोनेंट्स ऑफ द वेलोसिटी Along the horizontal is, along the horizontal is 250 किलोमीटर पर आर, 250 किलोमीटर पर आर, व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी, व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी, व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी, फाइंड ऑल्सो द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, फाइंड ऑल्सो द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये क्वेश्चन है आपका, देखिए इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ, फिर से एक बार पढ़ते हैं क्योंकि लिखते समय तो समझ नहीं आता है, तो एक बार पढ़ते हैं फिर से दोबारा। बोल रहा है एन एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, चलिए एरोप्लेन उड़ाते हैं, एरोप्लेन किस डायरेक्शन में उड़ रहा है, तो बोल रहा है ऐसे उड़ रहा है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, इस डायरेक्शन में उड़ रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कुछ वेलोसिटी से। बोला एरोप्लेन टेक्स ऑफ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल, इफ द कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी अलोंग द हॉरिजॉन्टल इज टू, सॉरी 250, 250 किलोमीटर पर आर, तो बोल रहा है
इफ द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग हॉरिजेंटल, तो देखिए इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट तो ये होगा, ये इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट है, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट, बोला इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट जो है उसकी वैल्यू कितनी रखी है 250, तो पहले इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट देखते हैं वी कॉस थीटा, क्योंकि ये कॉस कंपोनेंट देगा, हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या होगा वी कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी रखी है 250, ठीक है ये दे रखा है आपको, इसको ये हो गया और इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट। आगे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द एक्चुअल वेलोसिटी, आपको वी की वैल्यू निकालनी है, अब बोल रहा है फाइंड ऑल्सो द वर्टिकल कंपोनेंट, यानी आपको ये भी निकालना है, क्या निकालना है वी वाई, अगर मान लेते हैं चलिए ये वी एक्स है, तो वी वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा वी साइन थीटा, ये भी आपको निकालना है, और यहाँ पे थीटा क्या है वी साइन थीटा, तो वैल्यू 30 डिग्री है, ये निकालनी है। यहाँ पे भी देखिए वी कॉस 30 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 250, तो ये आपको गिवन है, इतनी सारी चीजें गिवन है, इसकी हेल्प से आपको एक तो वी की वैल्यू निकालनी है पहला, और दूसरा आपको वी वाई की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए मैं आपको ये बता दूं, तो कि ये वैल्यू उसको उसने दे रखा है, क्या दे रखा है वी कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू 250, ये स्टेटमेंट में मेंशन है, मुझे वी की वैल्यू निकालनी है, तो वी इक्वल टू क्या हो जाएगा 250 डिवाइड बाई कॉस 30। अब हमें पता है, तुम्हें पता है कि कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2, ये होती है, तो 2 ऊपर चला जाएगा एज पर यू नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, तो देखिए 250 × 2 हो जाएगा 500 डिवाइड बाय √3, तो ये आ गया वेलोसिटी इतना किलोमीटर पर आर, यानी कि जो प्लेन है वो इस रफ्तार से उड़ रहा है, ये इसकी वेलोसिटी आ गई, कितनी आ गई 500 डिवाइड बाय √3 किलोमीटर पर आर। अब बोल रहा है आप ये भी निकाल दीजिए सर, तो कोई बात नहीं, मुझे v sin थीटा निकालना है, v sin 30, v की वैल्यू कितनी निकाल रखी है मैंने, देखिए ये निकाल रखी है कितना है 500 √3, और sin 30 की वैल्यू रखनी है, sin 30 की वैल्यू क्या है भाई, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसको कट कर दीजिए तो क्या आ गया वैल्यू 250 बाय √3, तो यानी कि यहाँ पर उसका वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू जाएगी 250 बाय √3 किलोमीटर पर आर। ये हो गया वी वाई की वैल्यू, और ये है मेरा वी की वैल्यू जो मुझे निकालनी थी। यस और नो समझ में आया? आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए।